आज जो है बनेगा मछली, मछली में भाकुर मछली और उसके साथ कौन सा है, छुटकी वाली कौन सी है? एक ठोका है, छोटी में दो तीन तरीके की मछली है। क्या नाम है क्या नाम मछली का? धैया। और साथ में टेंगना का बच्चा, धैया है और साथ में टेंगना का बच्चा है और भाकुर मछली है। सतीश जो है आ गए हैं और पूरा कार्यभार एकदम कमान संभाले हुए हैं। इधर जो है मछली जो है धो लिए हैं और इधर जो छोटी वाली मछली धैया है और ये जो है ये धैया और साथ में ये छोटे छोटे जो हैं टेंगना है जो हैं वो भी है। तो ये दो तरीके की मछली है। इधर जो है मसाला वसाला भी तैयार कर लिए हैं। इधर सरसों है पिसा हुआ और ये जो है लहसुन पिसा हुआ है और ये प्याज और ये जो है धनिया मिर्च और जीरा ये सब मिला के और लाल मिर्च मिला के पीसा गया है। तो सारी तैयारी पूरी हो गई है। अब सतीश जो है शुरू होने के लिए एकदम बेचैन है, कह रहे हैं भैया कब बनेगा, लेट हो रहा है और भूख बहुत तेज लगा हुआ, कब छोटका मछली खाएंगे कब बड़का मछली खाएंगे। तो सतीश शुरू किया जाए? हाँ ठीक है, तो शुरू करते हैं बनाना। तो तेल जो है, तेल जो है गर्म होने के लिए डाल दिए हैं कढ़ाई में। पहले छोटी वाली मछली बनाएंगे। इसमें देखिए पहले तेल मिलाया जा रहा है। क्या दें, सरसों दें? निकाल लीजिए इसमें सर, ये तो हाँ लहसुन है। तो पहले जो है लहसुन डाला गया, तब जो है इसमें पिसा हुआ सरसों, इसके साथ लहसुन पड़ गया है हाँ, या मरीच उरीच मसाला है मिर्चा उर्चा, साथ में जो है ये मसाला पिसा हुआ है, धनिया जीरा मरीच मिर्च हल्दी ये सब मिला हुआ है। साथ में नमक, तेल जो है अच्छे से गर्म हो गया, देखिए अच्छे से धुआं भी आना शुरू हो गया इसमें। अब इसमें जो है तो मछली जो है डाल के फ्राई किया जाएगा। तो पूरी जो मछली है एक ही बार कढ़ाई में डाल दिया गया तेल के साथ सारा मसाला वसाला लगा के, और उसको जो है धीमी आंच पे करीब 20 मिनट तक पकाया जाएगा ताकि एक तरफ से जो है अच्छे से लाल हो जाए। ये कढ़ाई घुमा घुमा के तेल को चारों तरफ फैलाया जा रहा है। ये भी जो है एक तरीके की टेक्निक है, छोटी मछली बनाना जो है सबके बस की बात नहीं है। ये देखिए साइड साइड से भी तेल डालना है। तो ये देखिए छोटी मछली जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है, इसको निकाल लिया गया है, शानदार जो है देखने में लग भी रही है। और इधर जो है बड़ा जो मछली भाकुर जो था उसको फ्राई करने की तैयारी सतीश कर रहे हैं, इसको भी इधर साइड में रख देते हैं। देखिए कितना शानदार जो है दिख भी रहा है छोटी मछली जो है। ये देखिए बड़ी मछली फ्राई होने जा रही है हाँ। तो इसमें मसाले वसाले जो है मिलाए जा रहे हैं, सरसों है एक चम्मच, साथ में एक चम्मच मसाला और थोड़ा सा ये लहसुन का पेस्ट है और हल्दी भी पड़ेगा, तो हल्दी भी डाल देते हैं इसमें। नमक सारा मसाला जो है मिलाया जा रहा है बढ़िया से।
तो तेल गर्म हो गया, बड़ी मछली जो है उसमें डाल के फ्राई किया जाएगा। देखिए पैन में जो है एक एक करके सारी मछलियाँ जो हैं उसमें डाला जा रहा है। देखिए इसको जो है बढ़िया से हिला डुला के चारों तरफ तेल इसमें लगाया जा रहा है। ये देखिए जो है एक तरफ से जो है ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, इसको पलट दिया गया, दूसरे तरीके से इसको फ्राई किया जा रहा है। शानदार जो है भाकुर मछली जो है बढ़िया तरीके से इसको फ्राई करेंगे और फिर इसका रस्सा लगाया जाएगा। देखिए तो ये देखिए छोटी वाली जो मछली है बढ़िया से फ्राई हो गई है, तो इसको थोड़ा सा टेस्ट करके स्वाद देखते हैं। देखिए बिल्कुल सरसों और लहसुन इसी का मसाला बना था और इसी में डाल के इसको कुरकुरा फ्राई किया गया है। सरसों का पूरा स्वाद जो है आ रहा है, बहुत ही कुरकुरी फ्राई भी हो गई है, मज़ा आ गया, वाह। इधर जो है छोटी मछली का जो है स्वाद भी लिया जा रहा है, उधर जो है सतीश जो है बाकी जो बड़ी मछली है उसको फ्राई भी कर रहे हैं, तो दोनों काम साथ साथ में चल रहा है, फ्राई करने में लगे हुए हैं उधर और इधर जो है छोटी मछली का आनंद भी इसी के साथ लिया जा रहा है, सब लगे हुए हैं। और इधर जो है ये देखिए छोटी मछली जो है ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है। मछली जो है पूरी जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो गई है, अब इधर जो है तेल जो है ग्रेवी के लिए जो है गर्म हो रहा है, तो तेल जो है गर्म हो गया है। अब इसमें तड़के के लिए सरसों और लाल मिर्च डाल देते हैं, का जो है गर्म हो, इसमें अभी लहसुन लहसुन डाला जाएगा। इसको डाल के साथ में जो है सरसों पीसा हुआ जो है सरसों है इसको भी डाल लेते हैं। तो ये जो है पीसा हुआ सरसों है और लहसुन दोनों डाल के इसको थोड़ी देर भूनेंगे। सरसों है और लहसुन का पेस्ट है, साथ में जो है ये प्याज है, ये सब बुझाएगा आप बढ़िया से। अब ये सरसों जो है लहसुन और प्याज जो है इन सबको बढ़िया से बुझाएगा, इसको भूज के बढ़िया हम लाल करेंगे तेल जब तक अलग ना हो जाए तो इसको भूजेंगे। तो इधर देखिए जो है मसाला जो है बुझा रहा है बढ़िया से, करीब करीब ये भुन गया, तेल जो है अलग होना शुरू हो गया, दिख रहा है हल्का हल्का, थोड़ी देर और भुनेंगे जब तक ये थोड़ा सा लाल ना हो जाए, तब इसमें आगे जो है बाकी मसाले डालेंगे। मसाला है जीरा मरीच धनिया और गरम मसाला हल्दी वगैरह सब इसमें है, इसको डाल के मसाले के साथ जो है इसको भुना जाएगा, साथ में थोड़ा सा हल्दी भी डालेंगे, मसाले में पहले से भी था। साथ में नमक भी, तो सब डाल के अब इसको भुजा जाएगा जब तक ये लाल ना हो जाए बढ़िया से। तो मसाला जो है देखिए बहुत अच्छे से भून गया है बिल्कुल लाल, अब इसमें जो है पानी डालेंगे, तो पानी डाल दिया अब इसमें, अब इसको पकाएंगे करीब 15-20 मिनट पानी को। ये देखिए बहुत ही शानदार जो है इसका ग्रेवी तैयार हुआ है, एकदम बिल्कुल थिकनेस इसका देखिए ज़बरदस्त, और कलर भी बहुत शानदार आया हुआ है। और इसमें जो है एक टमाटर डालेंगे,
डाल के इसको थोड़ी देर पकाएंगे। तो ग्रेवी में जो है उबाल अच्छे तरीके से आ रहा है। अब इसके साथ में सबसे पहले इसमें जो है मछली का जो मुंडा है उसको भी डाल देते हैं। डाल के इसको जो है ग्रेवी के साथ थोड़ी देर पकाते हैं। अब इसमें फाइनली जो है लास्ट में ये हमारा फ्राई किया वो मछली है, पूरी मछली डालेंगे और डाल के इसके साथ इसको पकाएंगे। तो सारा जो है मछली हमने एक साथ जो है इसके अंदर ग्रेवी में डाल दिया है और डालने के बाद इसको हल्के हाथों से मिला दिया है। तो देखिए शानदार जो है देखने में आ रहा है। टमाटर जो है खड़े खड़े इसमें दिख रहे हैं इसके साथ। अब इसको ढक के करीब 15 मिनट बिल्कुल धीमी आंच पे पकने देंगे। उसको चलाना वलाना कुछ नहीं है, ये पकेगा और हमारा जो है मछली जो है बन के तैयार हो जाएगा। ये तो ये देखिए जो है ये जो है मछली जो अच्छे से पक गई है। उबाल भी अच्छा आ रहा है। इसमें लास्ट जो है धनिया का पत्ता ये लास्ट आइटम है डालेंगे। डाल के जो है गैस जो है बंद कर देंगे। इसको डालते हैं प्लेट में। तो बहुत ही शानदार जो है ये देखिए कलर भी आ गया है, रोगन जो एकदम बिल्कुल बाहर और मछली भी जो है अच्छे से पक गई है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो इसको अब जो है ढक के गैस को बंद कर देते हैं और 10 मिनट बाद जो है जब इसको खाना होगा तो इसको खोलेंगे। तो ये देखिए अपनी जो मछली है बन के तैयार हो गई है और प्लेट भी लग गया इसमें चावल और ये देखिए रस्सा और एक पीस और ये जो है मछली का मूड़ा। तो पहले इसको देखते हैं ग्रेवी के साथ चावल का क्या स्वाद है। तो इसको पहले ग्रेवी में लगाते हैं और लगा के देखते हैं। देखिए मछली का पीस